अब रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं रैली स्थल पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली भी करने वाले हैं आज। पंकज जी, ये तो आज एक, क्योंकि पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक बड़ा एक कार्यक्रम बनाने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से, एक तरीके से ताकत भी आज दिखाई जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, एक तरीके से वो कहते हैं ना कि शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, तो ये जो मंच है ना, आप अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, और ये चुनाव जो है सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए विधायकी का ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव इसी के बहाने पूर्वांचल और पूरे यूपी को साधने का, और आज मेगा शो है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, योगी आदित्य खुद उनको लेकर के यहाँ आएंगे मंच पर, और नामांकन करने से पहले यहीं से एजेंडा तय किया जाएगा कि आखिर पूर्वांचल के लिए बीजेपी का एजेंडा क्या होगा, वो चुनावी मुद्दे क्या होंगे। जो उम्मीदवार हैं आसपास के इलाके के, वो सब आकर के मंच पर बैठ गए हैं, और कल तो यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन आज मौसम खुला हुआ है, और आज का दिन बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ जो यहाँ से लगातार 5 बार तो लोकसभा के सांसद रहे, लेकिन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ चुनाव का नहीं है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चुनाव इसलिए भी है कि यहाँ से पूरे पूर्वांचल, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है, तो एक मैसेज देने के कि यहाँ से जो बात कहेंगे तो आसपास के जिलों के सारी सीटों को प्रभावित करेंगे योगी, उस लिहाज से उनको गोरखपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नामांकन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके साथ आज मौजूद रहेंगे। जी तो पंकज बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से जहां पर रैली होगी, रैली के बाद नामांकन के लिए यहां से निकलेंगे योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तो आगे भी हम आपको ले चलेंगे ग्राउंड जीरो रणवीर के पास चलेंगे। रणवीर वहां पर जुड़े हुए हैं गोरखनाथ मंदिर से। पंकज और हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी लगातार बने रहेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।